हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी फ्राई। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है भिंडी। तो भिंडी को हम जो है इस तरीके से जो है कट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरीके से जो है कट लगा लेंगे और ऐसा कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने जो है सारे भिंडी को कर लिया है और इसे चेक भी हो गया है कि हमारा भिंडी अंदर से ख़राब नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो भिंडी के अंदर स्टफ़ करने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है, ये छेना है, आप पनीर भी ले सकते हैं इसके जगह पे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नमक, और डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल। और डालेंगे ये मैगी मसाला। डाल दिया। और डालेंगे इसमें ये चाट मसाला, मिला करके सभी चीज़ें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ले लेंगे हमारे भिंडी को। अब हम एक एक भिंडी को लेंगे और इसमें हम हमारा ये मसाला भरेंगे इस तरह से, और इस तरह से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने सब में मसाला अच्छे से भर लिया है इस तरह से। तो इसको कोट करने के लिए हम बनाएंगे एक और मसाला। ले लेंगे एक छोटा सा बॉल, बॉल में ले लेंगे चावल का आटा। बेसन, लाल मिर्च का पाउडर और मिला लेंगे अच्छे से। अब हमने जो ये पाउडर मसाला तैयार किया है, इसे हम भिंडी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे इस तरह से, डाल करके इस तरह से हिला देंगे और इसमें हल्का हल्का हाथों से पानी का इस तरह से हम छिड़क देंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये अपने आप कोट हो जाएगा। ये देखिए भिंडी हमारा कोट हो गया है। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। देखिए ये कोट हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फिर देखिए सारे भिंडियों को हमने अच्छे से कोट कर लिया है। इसे कोट करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप अपने नमी से कोट हो जाता है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया है तेल और तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें एक एक करके हम अपना भिंडी डालेंगे और अब हम इन भिंडियों को मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हमने भिंडियों को फ्राई कर लिया और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन गया है। अब हम इन भिंडियों को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।